भाग रही है वो 110 चले गए गाइस। ये रहा, तो हम बहुत प्यार से निकल जाएंगे कॉर्निंग करते हुए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग। तो सामने देख सकते हैं आज हम दो बाइक का जो है कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे ड्रैग रेस भी करेंगे, लॉन्ग रेस भी करेंगे। बाइक के बारे में आपको बता देता हूँ, तो पहले जो अपनी द मोस्ट फेवरेट बाइक है बजाज पल्सर 125, उसी के बगल में खड़ी है होंडा CB125 शाइन SP। इसी का भी एक और वीडियो मैंने डाला था जो 2024 थी, ये पुरानी वाली है, वो तो नहीं जीत पाई, ये जीत पाती है कि नहीं जीत पाती, इसलिए मैंने इसको बुलाया। और ये BS3 वाला मॉडल है, तो इससे कंपैरिजन आज हमको जो है इसका करने वाले हैं। बाकी इसके जो बता देता हूँ, बजाज पल्सर 125 मेजर अपडेट्स आए थे उसके बारे में बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स भर के है, जैसे देख इलेक्ट्रॉनिक्स बोला सॉरी, डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे इग्निशन में आपको बटन दे दिया गया है मीटर को जो है कंट्रोल करने के लिए। वहीं पर अगर हम चार्जिंग पोर्ट दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर कुछ चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है जैसा देख सकते हो। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं CB125 शाइन SP की, तो यही इंजन आपको CB शाइन में भी देखने को मिलता था। वहीं बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, तो हाफ आपको यहाँ पे जो डिजिटल और प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिलने वाला है। बाकी इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो दोनों बाइक जो है 124 cc के इंजन के साथ में आती है। वहाँ पे आपको 11.8 PS की पावर मिलती है, यहाँ पे आपको 11 PS की पावर देखने को मिलेगी। अगर टॉर्क की बात करते हैं तो 10.8 जो है आपको यहाँ पे पल्सर में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 10.7 या 6 आपको देखने को मिलने वाला है। प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होने वाला है दोनों बाइक्स में। 1,12,000 रुपये की आपको पल्सर 125 ब्लूटूथ वेरियंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें 5 वेरियंट आपको देखने को मिलते हैं। ये सबसे जो टॉप मॉडल है वो है। उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 83,000 रुपये की जब आती थी ऑन रोड लखनऊ में पड़ती थी, दोनों बाइक्स में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो दोनों बाइक्स में आपको टायर जो है सेम देखने को मिलेंगे। ये डिस्क ब्रेक वाली है, वो ड्रम ब्रेक पे आती है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 1818 इंच से लॉय आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1900 जो है 17 देखने को मिलने वाला है। बाकी पीछे के टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1917 इंचेस के अलॉय साथ में। आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, पीछे ड्रम देखने को मिलता है, दोनों बाइक्स में आपको किक देखने को मिलने वाली है। बाकी पीछे से बात करते हैं तो देख सकते हो कुछ पल्सर में इसी तरह का हमेशा से जो है लाइट आता था, जो पहली वाली गोल लाइट वाली थी वही खाली, तो जिसमें वो वाली लाइट आती थी हैलोजन बल्ब में। बाकी सारी पल्सर में आपको LED बैकलाइट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब पर जो है बैकलाइट देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको टायर हगर देखने को नहीं मिलेगा, पल्सर में आपको टायर हगर देखने को मिलता है जैसा देख सकते हो। एंड्योरेंस के जो है सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों बाइक्स में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। दोनों बाइक्स में आपको जो है हैलोजन बल्ब पे इंडिकेटर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोनों बाइक्स जो है एयर कूल्ड आती हैं। तो चलो इस ड्रैग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फटाफट से फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं चला रहा हूँ पल्सर 125 पहले 2024, जैसा देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शायद ही आपको विजुअल होगा। रजनीश भाई चला रहे हैं होंडा CB125 शाइन SP को। ये पुराना वाला मॉडल है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसका नया वाला भी मैंने डाला है, तो जाके देख लेना। चलो शुरू करते हैं। लॉन्च तो बड़ी खतरनाक हुई है भाई, आगे हैं फिलहाल हम, भागो। अरे इनिशियल में थोड़ा कहाँ निकल गए, तो अपने आप को हीरो समझ लिए। अभी SP साइन कहाँ भागी हो रे भैया, भड़क रही है। आहा, ये आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। UP 32 तुमको पकड़ती है, UP 34 आ रहा। देखते हैं रजनीश भाई जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। और हम जा रहे हैं झम्मा झम्मा करते हुए, लगी हुई है पीछे, देखते हैं क्या होता है। गौरव मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ 110 पास, 110 के बाद हो गया इसका कम पास। ओ भागो, ये अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है भाई। पल्सर तो अपनी नज़दीकियाँ दूरियाँ सारी बनाए हुए हैं, तो यही तो 110 पे हक दीस है पहन लो। ये तो होंडा हक दीस भाई बजाज के सामने, ये क्या हुआ गाइस। भागो, ये मुझे मौका देने का प्रयास कर रहे हैं, इनका मौका हम उठाते हैं और फिर दबाते हैं, दबाते हैं और दबाते हैं गाइस।
भागो। ये तो मोए मोए हो गया भाई, होंडा एसपी का जाने देते हैं इसको, जाओ। यानी मुन्ना नहीं सोए ना जाए, गया। चलो आप चलते हैं, देखते हैं पकड़ पाते हैं हम कि नहीं पकड़ पाते हैं। भैया रजनीश भैया निकल गए हैं बड़ी तेजी में, तो हम यहाँ पे भगा के देखते हैं क्या होता है। लड़कों हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आप लोग कभी भी इसको ट्राई ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए कभी भी ऐसा ट्राई ना करें आप लोग, करें तो फुल सेफ्टी में करें। तो भाई ये रही होंडा एसपी सीबी 125, जैसा आप देख सकते हो। भैया पल्सर कहाँ गई, पल्सर कहाँ गई, पल्सर 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 पल्सर, मौका देना पड़ गया इनको भारी, मौका देना पड़ा इनको भारी। बराबर की टक्कर दोनों दोनों बराबर। अरे दादा आ राजा। अभी फिलहाल तो हम बहुत प्यार से निकल जाएंगे कॉर्निंग करते हुए। देख सकते हो गाइस हम लोग आगे आ चुके हैं अब। ला 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 ला, और बहुत तेज निकले हैं भाई हम लोग, बहुत तेज देख सकते हो गाइस। इसको कहो टक्कर लेट के, लेकिन नहीं भाई पल्सर को नहीं पा पाएगी। बजाज वालों ने थोड़ा पावर दे दिया 125 में। 2024 पल्सर आगे है, टॉप वेरिएंट वाला, टॉप वेरिएंट आगे है, दबा के चल रहा है। ओह ओ भाई साहब पीछे हो चुकी है। सुबह जैसा आपने यहाँ पे देखा कि इनिशियल में भी एसपी नहीं निकल पाई और टॉप एंड में भी इतना मौका देने के बाद में नहीं निकल पाई, तो एक बार राइडर स्विच करते हैं। राइडर स्विच करके देखेंगे, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्या इसके 2024 वाली वेरिएंट जो है हरा सकती है पल्सर 125 को कि नहीं। तो एक बार फिलहाल राइडर स्विच करते हैं, उसकी वीडियो भी आ जाएगी, कमेंट कर देना, उसके लिए भी मैं बना दूंगा आपको 2024 के लिए। तो चलिए एक बार राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सेकंड राउंड को। मैं चला रहा हूँ अब ये सीबी 125 एसपी शाइन, और रजनीश भाई चला रहे हैं पल्सर 125 को। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। हम मेरा वेट कम है रजनीश के भाई मुकाबले में, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे साथ में लॉन्च हुई, गियर फंसा उसका थोड़ा सा, देखते हैं। मेरा वेट कम है तो मैं क्या सीबी 125 को हरा सकता हूँ, जिता सकता हूँ कि नहीं। रॉकेट है रॉकेट, अरे चीना गियर फंस गया, गियर फंसने का मौका मिल गया गौरव भाई को, गौरव भाई को लग रहा है ये निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। अभी पल्सर ने अपने सारी वाले नहीं खोली हैं, इसको एक मौका मिलेगा वाल खोलने का तो ये गायब सी हो जाएगी। आप पकड़ के दिखाओ भैया। चलो देखता हूँ, 100 तो पहुँच गए भाई, 100 पहुँच गए गाइस, पल्सर 125। और भाई ताबड़ तोड़ भाग रही है वो, 110 चले गए गाइस, भाई भाग तो ये भी तगड़ी रही है, ताबड़ तोड़ 120 चली गई भाई, भाई साहब ताबड़ तोड़ 120 गाइस। ये कहते था वेट का फायदा मुझे मिल रहा है पूरा, पकड़ के खींच दूंगा इसको अगर मौका मिला मुझे तो। इस पर 10.9 पीएस पर का पावर देखो भाई, एकदम गोली डीजल मीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पन्नी के अंदर है। अरे भाई गोले लगल मेरे भाई, ओए ओए, ये स्पिन निकलेगी नहीं सीबी आगे हमसे, इतना पता है कुछ भी हो जाए निकलेगी नहीं एकदम। चलो 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 चलो, ताबड़ तोड़ राजा भाग रही है भाई। ये पुरानी वाली एसपी शाइन सीबी 125, इसमें शाइन का ही इंजन आपको देखने को मिलता है। ताबड़ तोड़ हटो जरा, ये रही पल्सर 125, ये रहा, देखते हैं कौन जीतता है। Yeah.
आगे टोल पड़ गया गाइस, यहाँ पे रेस खत्म करनी पड़ेगी, आगे टोल प्लाजा है। तो आप देखना, आपने देखा जैसा कि वेट रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेरा वेट कम था जिसकी वजह से देखा आपने कि इनिशियल में भी जो है साइन एसपी साथ में थी और टॉप एंड में भी लगभग लगभग साथ में थी, क्योंकि वेट रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।